जब से लॉकडाउन हुआ तब से हमें खिदमत अलग अलग है, जो खाने देते थे राशन किट्स बटे रमजान में भी सब, अब उनका मालूम रमजान में सब बट डाल कर बाद सब स्टॉप हो जाती बोल को, हमें रमजान के बाद भी करेंगे कर को बोल को, क्यों बोले तो लॉकडाउन है अभी आदमी बहुत परेशानी में है, इससे हमें क्या करें आज से फिर ये तरकारियाँ ये वो सब बांटना शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब राशन किटा भी इंशाल्लाह, अब हमें बहुत से ड्राइवर को कौन भी हेल्प करे नहीं है बार ऑटो ड्राइवर्स को, इंशाल्लाह मैं मस्तान भी हमारे सादिक भी हमें सब मिलको इंशाल्लाह बार ऑटो ड्राइवर्स को भी किट्स देने का राशन किट देने का प्रोग्राम बना लगे। ये शादी माल का काम की सब नहीं है, 50 आदमी का दिए तो नहीं होता है, ये कम से कम एक 500 आदमी का देना है और घर चलना भी बहुत मुश्किल है, वो सुनने से आके इधर अभी वो ओनर को बोलने से ज़रा वो हेल्प किए, तरकारी चावल ये सब एक महीने का हेल्प किए। अभी मैं वज़ीर आला है ना कर्नाटक के बीएस येडियुरप्पा से गुजारिश करता हूँ कि वो 500 आदमी का इजाज़त दिया जाए काम करने के लिए और शादी मोहल्लों में काम करने के लिए। जो लॉकडाउन हुआ जब से 60-70 दिन से जो हालात ऐसी है, जो झाड़ने वाले जो शादी माल में रंधे, जो पानी का रंधे, जो पानी का बिजनेस करती वो पानी का बिजनेस, एक शादी हुई तो 300 घर का चलता है, जैसा कि लाइटिंग वाले का, फर्नीचर वाले का, ऐसा फ्लावर डेकोरेशन वाले का, उनका सभी घर चलता है। ये सोच को हमें येडियुरप्पा साहब से, जैसा CM साहब से हमें रिक्वेस्ट करको लेटर देना करको, ही हमें पूरी ग्रुप आज पूरे अदमियान लेडीज सब बैठे, आप लोग हम सभी कैसा हुकूमत भी सपोर्ट नहीं है हमने कोई तरीके से नहीं है, झाड़ू झाड़ लगो हमें 5-6 हज़ार रुपये महीने को कमाती, जो लाइटिंग फर्नीचर वाला उन्हें कुली का काम करके 8-10 हज़ार रुपये कमाता है, 3 महीने लॉकडाउन होगा हमारे कैसा घर चलना क्या करना करको, हमारे पास SME वन के पास हमारे पास आए मस्तान करको, मैं क्या करें आज उनको सभी बुला को तरकारी गिरकारी सब देखो सपोर्ट करको, मैं येडियुरप्पा साहब से क्या तो भी रिक्वेस्ट करको, एक 500 आदमी 500 आदमी का तो भी शादी करे सका करेंगे की का तो 50 आदमी का तो छोकरे के छोकरे वाले के चेक 100-150 हो जाती है, छोकरी वाले के नाना नानी मामू मामिया सभी पूरे जने उनके 100-150 हो जाती है, जैसा येडियुरप्पा साहब से एक 500 आदमी का तो भी शादी 500 आदमी का तो भी शादी चल रही तो क्या तो भी एक होता क्या वास्ते, एक 100-150 कैसा सैलेंड्री रखो कैसा डिसेंट रखो शादी करना वो हिसाब से हमें कर लेती, ये शादी का नहीं दिएगा तो बहुत परेशानियाँ होती हैं और गली गली में पूरे बेरोजगार छोटे मोटे झाड़ने वाले आने वाले उन्हें सब बहुत परेशानी, कोई भी इनको थोड़ी बहुत भी मदद नहीं मिली, ये छोटे मोटे एसोसिएशन वाले कर ले रहे हैं, अब जैसा मस्तान जी हैं मस्तान साहब हैं वो कर रहे हैं, अभी शादी मालों से ताल्लुक आता है इनके सारे जो शादी माल वर्कर्स को बुला के उनको क्या देना किटें वगैरह राशन वगैरह सभी ऐसे ऐसे लोग ऐसे जिम्मेदार कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कोई इनको ये नहीं है, हमारी ये है कि गवर्नमेंट से कुछ मदद हो जाए, नहीं बोले तो शादी मालों को खोल के छोड़ो, आप 500-1000 आदमी की इजाज़त दो उनके घर में भी चलेंगे, अब ये भी नहीं होना वो भी नहीं होना, बड़े लीडरों की शादियां हो जाना हज़ारों आदमियों को लेके, जो मिडिल क्लास पीपल पे कोई तवज्जा नहीं है, अब मिडिल क्लास पीपल से जो कनेक्शन है जो लो क्लास पीपल काम कर रहे हैं उनको तकलीफ है ना, इसके ऊपर ये करना है।